देखिए पूरे देश में 2024 का चुनाव चला, वहीं नरेंद्र मोदी 12 तारीख को 12 मई को पटना में रोड शो करने वाले हैं। और महिला क्या सोचती है, इस समय हम बीजेपी दफ्तर में हैं। आज पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया है और तमाम जो महिला है, पटना की जो महिला है वो बीजेपी दफ्तर पहुंची हुई है। वहीं नरेंद्र मोदी का 12 तारीख को पटना में रोड शो है। महिलाएं क्या सोचती है, क्या सोच रही है मैडम, 12 तारीख को पटना में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्या जरूरत पड़ गई, क्या पटना साहिब और पाटलिपुत्र के जनता समर्थन नहीं करे बीजेपी को? क्या नहीं, मोदी जी के सब समर्थन करेंगे क्योंकि हमारे महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। समर्थन नहीं मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। 12 तारीख को रोड शो करने, इसको विपक्ष कह रहा कि आ रहे हैं क्योंकि हार रहे हैं, तो आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी नहीं हारेंगे, वो आ रहे हैं फुल मोहब्बत के साथ। आप लोग साथ हैं? हाँ, हम लोग साथ हैं मोदी जी के। रविशंकर प्रसाद? हाँ, हम लोग साथ हैं उनके। मन सपोर्ट? हाँ हाँ, हम लोग। क्या लग रहा है पटना में नरेंद्र मोदी 12 तारीख को आ रहे हैं, क्या कुछ दिक्कत है यहाँ पर? नहीं बाप रे, दिक्कत क्या होगा, हमारे राम आ रहे हैं पटना में। सबसे पहले मेरा राम को देने वाली वही है, तब हमारी महिला सुरक्षित है। आज जो डेली का अंदर थी वो डेली का बाहर है। क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि यहाँ हार रहे इसलिए आ रहे हैं। नहीं, 400 पार है अब की बार, 400 पार, 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार पार हो गया है। महिला साथ है? हाँ, महिला है। मैडम आप लोग साथ हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए आई हैं? हम लोग हमेशा साथ हैं, आज से नहीं 2019 से उनके साथ हैं। साथ है, रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को जो ऊपर गई कह रहे हैं कि हार को बचाने के लिए रोड शो हो रहा है। नहीं नहीं, ये सब विपक्ष करेंगे क्या, उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, यही सब बोलेंगे। हार को बचाने के लिए बाकी विपक्षी लोग बिना नाम लिए ये बता रहे हैं कि वो लोग रोड शो में नाच करवा रहे हैं, और हमारे राम को लाने वाले भाई जो हैं वो आ रहे हैं अपना धन्यवाद देने, और हम उन्हें अपनी शुभकामना और आशीर्वाद और अपना विश्वास जताने वाले हैं। तो जो हारते हैं वो नाच करवाते हैं, और जो जीतने वाले होते हैं वो धन्यवाद देने आते हैं। धन्यवाद देने आ रहे हैं? बिल्कुल नाम है आ रहे हैं। नहीं नहीं, वो धन्यवाद देने आ रहे हैं क्योंकि वो जीते हुए हैं, बाकी आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आशीर्वाद उनके चलते महिला इतना सुरक्षित है आज के ई में, और दूसरे बाकी सब जो थे जो भी हुआ है क्या, क्या महिलाओं के लिए काम हुआ? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए, क्या बताइए काम, जैसे उज्ज्वला योजना, ये सब महिला सुरक्षित, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत तरह का काम किया, आगे और भी करना है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है अभी मोदी जी का, हाँ, तब बाकी और वो जीत के आएंगे 400 पार 12 तारीख को जो आएंगे उनका स्वागत के लिए हम लोग एकदम जी जान लगा के खड़ा है। मैडम कह रहे हुए है वो तो जीते हुए है महिलाओं के लिए, फिल्म कब लॉन्च होगा? कहीं की ट्रेलर है महिलाओं के लिए, फिल्म कब आएगा महिलाओं के लिए? आएगा मतलब 4 तारीख के बाद आएगा फिल्म हम लोग का। महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, आज तक कभी भी लेडीज लोग बॉर्डर पर नहीं थी, आज वहाँ 50% से ऊपर 60% लेडीज बॉर्डर पर है। ये मोदी जी का ही ना स्कीम है, जहाँ है सुरक्षित है, जहाँ है महिलाएं वहाँ सुरक्षित है। हाँ सुरक्षित है। क्या होगा, जीत जाएंगे? हाँ एकदम, जीते हुए हैं वो जीते हुए हैं, जीतेंगे ही। नहीं नहीं, जो भी कर रहा विपक्ष कर नहीं, भीड़ ऐसा नहीं कि भीड़ आप लोग सिर्फ दिखाने के लिए आ गए हैं। देखिए दिखावा की बात की जाए तो दिखावा कितना दिन चलता है, ज्यादा दिन चलता नहीं है, और ये दिखावा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महिलाएं स्वेच्छा से आई है, सबको खुशी है, और सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। काम हुआ महिलाओं के लिए? काम हुआ, काम हुआ इस कहने का तो बात ही नहीं है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, कहीं शौचालय नहीं था महिलाओं के लिए, महिलाएं खेत में जाती थी, आज वो इज्जत से सुरक्षा नहीं था वो गैस का काम की बात हो रही गैस खाना हो गया जी, महिला जो है गैस पे खाना बनाती है लेकिन महंगा हो गया है। गैस महंगा हो जाना और गैस नहीं रहना, दोनों में बहुत अंतर है। पहले चूल्हा पे फूकती थी, धुआं था, महंगा हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? महंगा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन धुआं से फर्क पड़ता था, बीमारी था, महंगाई किसी न किसी तरह आदमी कमा भी तो रहा है, उसके हिसाब से जॉब भी तो इतना सारा दे रहे हैं, इतना बिजनेस भी दे रहे हैं। क्या कहिएगा, महंगाई से कोई फर्क नहीं गैस का जो दाम? नहीं नहीं नहीं, महंगाई देखिए, महंगाई महंगा सस्ता के लिए हम लोग नहीं डर रहे हैं, वो तो भाई जनसंख्या के हिसाब से महंगाई सस्ता हो रहा है। इसमें सरकार क्या करेगा, कांग्रेस आएगा तो क्या सस्ता कर देगा, और नरेंद्र मोदी क्या कर देगा? नहीं ना करेंगे,
वो और जनता को गुमराह करेंगे, वो और लूटेंगे। कभी नेता तो बोलेंगे कि सस्ता करेंगे, नहीं सस्ता नहीं करेंगे, हमको सस्ता नहीं चाहिए, हमको नरेंद्र मोदी का प्यार चाहिए। आपके नेता तो झूठ बोले, हाँ झूठ बोल नहीं रहे, हमको नहीं चाहिए सस्ता, हमको मांगे नेता बोले थे कि सस्ता होगा। अरे सस्ता क्या होगा, जो मिल रहा है ना वही बहुत अच्छा है, प्यार चाहिए ना नरेंद्र मोदी का। नल जल हर घर में राशन अनाज पहुंच रहा है, नल जल का पानी मिल रहा है, महिलाएं हर जगह सुरक्षित हो रही है, और क्या चाहिए हम लोगों को। इस तरीके से ये बीजेपी दफ्तर का नज़ारा है, महिला है साफ साफ कह रहे हैं कि हम लोग पूरे तन मन धन के साथ नरेंद्र मोदी के साथ है, और हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जो है 12 तारीख को पटना में रोड शो कर रहे हैं, और महिला की सम्मान की बात उन्होंने ही किया है, हमारे राम आ रहे हैं। एक तरीके से कई महिलाओं ने कहा कि हमारे राम आ रहे हैं जिन्होंने महिला को सुरक्षित किया। महिला जो है चूल्हे पर खाना बनाती थी, गैस महंगा से दिक्कत नहीं है, जो गैस चूल्हे का धुआं है उससे दिक्कत है, और आज उस धुएँ से नरेंद्र मोदी ने ही निजात दिलाया है, और महिलाओं को जो सुरक्षित रखने का काम है नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 400 पार का नारा तो पूरा होगा ही होगा, तब महिलाओं ने कह दिया पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी ही सत्ता में आने वाले हैं। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।